परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और उन लोगों को जो है हम इकट्ठा करने की कोशिश करें, और इकट्ठा करने के लिए बहाना चाहिए होता है। सर 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 राइट, तो आज की बेस्ट समय में जब तक आप बहाना नहीं देंगे कोई नहीं आएगा, राइट। बिल्कुल, लेकिन यदि आप फोन करेंगे कि भैया मैंने चाय के लिए आपको बुलाया, आ जाइए, तो आ जाएंगे। 5 बजे चाय रखी, आइए साथ में बैठ के चाय पियेंगे, राइट जी। या भोज रखा है भैया, आ जाओ साथ में खाना खाएंगे, राइट जी। या जो है कोई एक धार्मिक आयोजन कर लें, राइट, या बच्चे की जन्मदिन दिवस मना रहे हैं तो उसमें कर लें, या खुद की शादी की सालगिरह या किसी अन्य शादी की सालगिरह वगैरह हो रही है तो उसमें अपन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन इन सभी बहानों में महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, और वो महापरिवर्तन वाली बात हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है ना जी सर। जी सर, जब हम महापरिवर्तन की बात करेंगे तो लोग कहेंगे आपने तो बच्चे के जन्मदिवस के लिए बुलाया है, ये बाकी बकवास क्यों कर रहे हो भाई, तो ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। और चूंकि हम सभी के भले की बात कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, किसी को धरना नहीं देना है, किसी को जुलूस नहीं निकालना है, किसी को कलेक्टर, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंत्र पे धरना नहीं देना है, तो मेरे ख्याल से, और इसमें अपन जो हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता हैं उनको भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, बस इतनी ही तो कह रहे हैं कि साहब एक टास्क फोर्स बना दो, गाइड करने की जिम्मेवारी हमारी, पका के आपसे अनुमोदित कराने की जिम्मेवारी हमारी, और आपको जो है 20 गुना पैसा भी आ जाएगा, आप टैक्स मुक्त भी कर देंगे, वो भी कर्ज मुक्त भी कर देंगे। आप बताइए आज कितने किसानों को ये सब चीजों के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और उन्हें आत्महत्या करना पड़ रही है। जी सर, मुझे याद पड़ता है कि मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जी सर, जी सर। फिर ना तो जो है ना किसानों को कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही आत्महत्या करना पड़ेगी, ऐसे ही आपको इंडस्ट्री डालने के लिए भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जी सर, राइट जी सर। आपको आपको किसी जो है ये जो फंड वंड चल रहे हैं ना, वो कोई फंड की, म्यूचुअल फंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो ये इतना आसान, जिसमें धन का निर्माण भी हो रहा हो, आपको नहीं लगता है कि इससे अच्छा भारत और कुछ हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल सर, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर आपको नहीं लगता है कि आज हम जो नहीं जोड़ पा रहे हैं, संभवतः उसमें हम वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं जो हमें डालना चाहिए सर, और वो एनर्जी आप लोगों को डालना होगी। यदि मैथिलीशरण गुप्त किसी के पास पहुंचेंगे तो मैथिलीशरण गुप्त अपना ही कद हल्का कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यदि मैथिलीशरण गुप्त का कद हल्का हो जाएगा तो फिर और फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल सर, हमें तो आपका कद बढ़ा करके चलना है, आपका काम हमें करना है, आपके आदेश का पालन करना है, और वहां पहुंचकर लोगों को जोड़ देना है, उनके लाभ की बातें करना है। अपन बताइए, उनको अपन तकलीफ दे नहीं रहे हैं, सरकार को तकलीफ दे नहीं रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, बिना थाने जो है ना FIR दर्ज हो जा रही है।